हेलो एवरीवन, कैसे हो जी। सो आज आपके साथ एक बहुत ही इजी एंड बहुत ही प्यारा डीआईवाई शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही कम सामान से बन जाएगा। सो चलते हैं जी वीडियो की तरफ। करते हैं जी अपना डीआईवाई स्टार्ट। डीआईवाई के लिए कौन सा सामान लिया है मैंने फेविबॉन्ड ली है। एंड मेरे पास एक मग था जिसका ना हैंडल टूट गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको डीआईवाई किया जाए। और मैंने कुछ ड्राई स्टिक्स ली है जो अपने ट्रीज की होती है ना, ड्राई स्टिक्स वो वाली ली है। इस मौसम में मोस्टली आपको मिल जाएंगी, ये टूट जाती हैं पेड़ में से, तब ले सकते हो आप। मैंने अपने गार्डन में से या रोड साइड से मैंने कलेक्ट किया, हमारे साथ गार्डन है, मैंने वहां से कलेक्ट की है। ये वाली बहुत सारे स्टिक्स है मेरे पास ये वाली। और मैंने ना इसको फेवी बॉन्ड से ट्राई किया था कप में लगाने का, बट मुझे प्रॉब्लम क्या है कि फेवी बॉन्ड ना बहुत जल्दी क्विकली ड्राई नहीं होता है, तो इसको कोई सपोर्ट चाहिए थी कि मैं सपोर्ट देके इसको ऐसे स्टिक कर रखूं। बट मुझे ठीक नहीं लगा बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म लगेगा टाइम, एंड फेवी बॉन्ड सूखने में टाइम लेता है। तो फिर मैंने ये आइडिया ड्रॉप किया। मैंने फेवी बॉन्ड की जगह मैंने अपना ग्लू गन ट्राई की। बस इसमें यही ध्यान रखना है, मेन यही ध्यान रखना है आपने कि आपकी जो ग्लू गन है वो अच्छे से हीटअप हो, कि जो ग्लू है वो अच्छी तरह मेल्ट होके आए। बस वही ट्राई करना है आपने। ग्लू गन से बहुत इजीली ड्राई हो जाता है ये, फटाफट से सारे स्टिक लग गई थी। ग्लू गन का मेन क्या है मैं बता देती हूँ। ग्लू गन आपको इजीली मिल जाएगी, अमेजोन पे भी मिल जाएगी ग्लू गन आपको। और आपको जैसे अपना आप लोकल देखोगे, लोकल आपको स्टेशनरी की शॉप पे भी मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी ग्लू गन। आजकल कॉमन है, बहुत सारी चीज़ों में ग्लू गन यूज़ होती है, आर्ट एंड क्राफ्ट में यूज़ कर सकते हो। बहुत इजीली ड्राई हो जाती है। आप गन ले लो, उसके साथ ग्लू की स्टिक्स आपको मिल जाएंगी। अगर आप पूरा पैकेट लेना चाहते हो ग्लू स्टिक्स का वो भी मिल जाएगा। मेरा पूरा ये डीआईवाई 2 स्टिक्स में बना है। पूरी 2 भी नहीं लगी बट ऑलमोस्ट 2 लग गई थी। 2 स्टिक्स से मेरा पूरा डीआईवाई बन गया। बहुत इजीली बन जाता है ग्लू गन से। बट मैं जैसे ही मैंने ग्लू गन में ही हॉट मैंने की हुई थी, मैं फटाफट से निकाल रही थी और स्टिक्स अपनी लगाती जा रही थी कप के ऊपर। आप देखोगे बहुत ईजीली बन जाता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। बट मेन बस आपका ये है कि आपकी ग्लू गन अच्छे से हीटअप होनी चाहिए, बिकॉज अगर ग्लू अच्छे से मेल्ट होके नहीं आएगी तो वो अच्छे से स्टिक नहीं हो पाएगा। बिकॉज जो मग का सरफेस है वो सिरेमिक का है, तो उसके ऊपर फेवी बॉन्ड नहीं यूज़ होगी बिकॉज फेवी बॉन्ड को सूखने में टाइम लगता है। कुछ हमें इंस्टेंट ड्राई चाहिए था, तो ग्लू गन उसके लिए बेस्ट रहेगी। देखिए छोटी छोटी चीज़ों से कुछ नई चीज़ बना सकते हैं हम। मेरे पास ये मग था, मैं इसको एज इट इज़ भी यूज़ कर सकती थी एज ए प्लांटर या कुछ ऐसा, बट मैंने सोचा क्यों ना इसको एक अलग लुक दी जाए, डीआईवाई बनाया जाए, ना कि इसको मैं फेंक दूं, इसके ऊपर कुछ किया जाए। तो जब इसका हैंडल टूटा तो मैंने इसके ऊपर स्टिक्स मैं रोज़ गार्डन जाती हूँ तो वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, तो मैं स्टिक्स ढूंढ रही थी। तो उन्होंने मुझे पूछा कि आंटी आप क्या ढूंढ रहे हो। मैंने बोला कि मुझे स्टिक्स चाहिए, मैं स्टिक्स से कुछ बनाऊंगी। तो उन बच्चों ने भी मेरी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे बहुत सारी स्टिक्स फाइंड आउट करके दी जो कि मैंने यूज़ की। मैंने एक बार अच्छे से इनको मतलब ड्राई क्लोथ के साथ क्लीन कर लिया, उसके बाद एक ही साइज़ के कटर के साथ इसको कट कर लिया मैंने स्टिक्स को। तो वही बस वही मैं इसको फिक्स करती जा रही हूँ ग्लू गन से। कुछ मोटी हैं कुछ पतली हैं, वो चलेगा बिकॉज क्या है ये ऑड इवन ही डिज़ाइन बनेगा। एंड लुक इसकी बहुत ही प्यारी आती है। आप इसको मल्टीपर्पस यूज़ कर सकते हो, जैसे चाहो तो आप इसको प्लांटर बना लीजिए, इसमें एक छोटा सा प्लांट लगा सकते हो, जैसे सर्कुलर प्लांट हो जाए वो भी आप लगा सकते हो, या फिर आप पेन स्टैंड बना सकते हो, इसमें पेन पेंसिल्स कुछ भी स्टेशनरी का सामान आप रख सकते हो। मोस्टली सबके घर में मग होते हैं, कई बार पुराने मग होते हैं जो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, या फिर हैंडल तो मोस्टली कईयों के टूट ही जाते हैं। तो आप भी इसको एक नई लुक दे सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा है, अगर आप ट्राई करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग कीजिएगा। कलर के लिए ना मैंने फैब्रिक कलर लिया है, ब्राउन शेड लिया है मैंने, और मेरे पास एक फ्लैट ब्रश है वो लिया है मैंने। आप कोई भी कलर कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कलर कौन सा करना है। आप इसको बिल्कुल डिफरेंट लुक भी दे सकते हो, जैसे आप न्यूड कलर कर दीजिए, बेबी पिंक कलर कर दीजिए, पर मैं थोड़ा ब्राउन, मैं थोड़ा मतलब नेचुरल टोन में जाना चाह रही थी, तो मैंने ब्राउन कलर के साथ इसको पेंट करना स्टार्ट किया है। ये मैंने आपको पहले बताया ना, मैंने स्टिक्स एक बार क्लीन कर ली थी ड्राई से, ड्राई क्लोथ के साथ मैंने क्लीन करके ऊपर से अच्छे से इसको पेंट कर रही हूँ कि सारी स्टिक्स इवन कलर की लगे। बिकॉज इसमें आप देखोगे क्योंकि ये नेचुरल स्टिक्स है तो अलग अलग शेड्स में है, तो मैंने इसको सेम कलर ब्राउन कलर किया है। आफ्टर कलर मैंने, मेरे पास एक जूट की रोप पड़ी थी, तो मैंने क्या किया, दो मतलब लेयर्स बना ली उस जूट की रोप की। तो मैंने एक छोटा सा कट कर लिया उसका पीस। आप एक साइड से लगाना शुरू कीजिए, अपनी ग्लू गन को मैंने एक साइड से लगाया, और जैसे ही ये लगाऊंगी मुझे फटाफट से इसको जूट रॉक का एक कॉर्नर स्टार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है ये वाली ग्लू। बस इसको रोटेट करते जाएंगे एंड थोड़ा थोड़ा लगाते जाएंगे। बस इजीली मैंने एक राउंड लगा दिया, तो ऐसे ही मैं 2 या 3 राउंड और लगाने वाली हूँ रोप के। एक अच्छी सी देखना एक एंड में क्या लुक आएगी ना इस रोप की वजह से, जूट रोप की वजह से बहुत अच्छा लगता है ये। जूट रोप और ब्राउन कलर दोनों का ना मिक्सअप बहुत अच्छा लगा मुझे। ये मैंने एंड मोमेंट में सोचा क्यों ना इसको ऐसे किया जाए और भी अच्छा लगेगा ये। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये जूट रोप के साथ, कलर बहुत अच्छा लग रहा है इसका। और सीरियसली बोल रही हूँ, आफ्टर लुक बहुत अच्छी लुक आई है। मेरे पास ना छोटी सी बो पड़ी थी, तो मैंने कहा क्यों ना इसके ऊपर लगा दी जाए, इसकी लुक और इन्हांस हो जाएगी। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो। सो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।